जग मा मेरी नागे आई ले ललनवा अंगनवा जो रो गई। जग मा मेरी नागे आई ले ललनवा अंगनवा जो रो गई। झूमे धरती अर हसे लागा गनवा अंगनवा जो रो गई। केहुरो मलाइक मिल जुलबा सदरुल मदरसा मदरसा इस्लामिया सहसपुर दरभंगा है। मैं निहायत अदब के साथ अपने उस्ताद मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत बड़ा इस्तकबाल है कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं। जो बदल सके जमाना और निजाम चाहते हैं, जो मसरत से भर दे हमें जिंदगी का दामन। वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं, हमें अपने ही नजर पे नहीं है तमाद, लेकिन तेरे हुस्न के मलाजिम सरे आम चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن إنه ينظر بنور الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وحفظت فروجها قل فلتدخل الجنة من أي أبواب إن شاءت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। यकी महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम। यकी महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम। जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। बुजुर्गान मोहतरम हमदर्दान कौम मिल्लत स्टेज पे रौनक अफरोज मुअक्कर व मुअज्जज उलमा व शोराए किराम आप लोग अपनी अपनी जमानत दर्ज करा चुके हैं। रात की ये घड़ी इस बात को साबित करती है कि लगातार बिल इस्तेआब मुसलसल
दीनी मजलिस जो चलती रही है, इस मजलिस को आपने बतौर खास खूबी समात फरमाया है, यह अल्लाह का इनाम है। हम इस बात के फिक्रमंद नहीं है कि कुछ लोग चले गए हैं, हम इस बात से बेपनाह खुश हैं कि आप हजरात की शिरकत थी और है और आइंदा भी इसी तरीके से रहेगी। ये मेरी दिली दुआएं और तमन्नाएं हैं। मौलाए कदीर परवरदिगार आलम रब्बी कायनात वहदहु ला शरीक, जो अपनी कुदरत में, अपनी कारीगरी में, अपने खाली को मालिक होने में किसी का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उनका मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। और मोहताज जब अपनी मोहताजी की हालत में, अपनी बेबसी के आलम में अपनी कमजोरी को साबित करते हुए और गिरियाजारी का एक निजाम पैदा करते हुए रब्बे कदीर से कहता है कि ए मौला, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तूने बेपनाह नेमतों से मुझे नवाजा है, ए अल्लाह तू गिरों को भी उठाता है और उठे को भी गिरा देता है, ये सिर्फ तेरी शान है मेरे मौला। इस मौजू पे आप तमाम हजरात को अब शिरकत करना है इस मजलिस में। जो हजरात चले गए वो एक सुखमन के तौर पे थे और चले गए, लेकिन वो दुआ में शरीक हैं। अल्लाह मगफिर लिहलिना व मईतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व जकरिना व उमसाना, अल्लाहुम मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। इसकी बुनियाद पे दुआ होना इंशाल्लाह। जो चले गए उनके लिए भी, जो हाजिर हैं उनके लिए भी, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, और ए अल्लाह जब तक तू मुझे इस दुनिया में रखेगा तुझसे दुआ है कि अल्लाह मुझे इस्लाम की हालत में रखना, और जब उठाना तो ईमान की हालत में उठा लेना। ये असल मुद्दा है बंदे का। और अल्लाह ताला नवाजने के लिए सिर्फ कोई ना कोई बहाना ढूंढता है भाई मेरे। क्या ढूंढता है? बहाना। हम लोग भी कहते हैं बहाना मौत का हो और हम उनके घर जाएं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बहाना मौत का हो और हम उनके घर जाएं। हमें तो मदीने वालों के चौखट पे मरना है और उन्हीं के चौखट पे जीना है, उन्हीं के गली में रहना है और उन्हीं के दियार का कुत्ता बनकर के भी अगर नसीब हो जाए रह जाना तो मेरे मुकद्दर के सवरने में कोई कमी नहीं हो सकती। ये निजाम है अल्लाह ताला। रहमत खुदा बहाना मीजोयद, कोई बहाना दे दीजिए अल्लाह ताला। ए अल्लाह हम इस अंदाज में तेरे पास आए हैं, तू उठा ले हमें। काबिले मुबारकबाद है आप हजरात। अल्लाह ताला को नवाजने के लिए, रहमत अता करने के लिए, जबकि वो किसी का मोहताज नहीं है, वहदहु ला शरीक है, लम यलिद व लम युलद है व लम यकुल लहू कुफुवन अहद है। अल्लाह की शान को जिस अंदाज में भी बयान किया जाए तो मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया मिल करके भी चाहे तो अल्लाह की शान को बयान नहीं कर सकता, कर सकती। ये है अल्लाह का अंदाज कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। और रहमत देने के लिए अल्लाह ताला खजाना नहीं ढूंढता है, बहाना ढूंढता है। एक बहाना होता है और एक खजाना होता है। खजाना होता है कि नहीं होता? जहां पैसे होते हैं, माल होते हैं, तिजोरी होती है, हीरे जवाहर जमर्रद होते हैं, वो खजाना है। और बहाना तो अदना दर्जा का भी कोई ना कोई बहाना चाहिए। लोग कहते हैं कि हजरत जरा दुआ कीजिएगा, मौलाना दुआ कीजिएगा, चचा दुआ कीजिएगा, बड़े भाई दुआ कीजिएगा, मेरे चचा आपसे मेरा बड़ा जी लगा हुआ रहता है, आप मुझे न सफर में फरामोश कीजिएगा न हजर में फरामोश कीजिएगा। बंदा ये कह करके दुआ मांगता है और मैं कहता हूँ कि ये दुआ मांगने का अंदाज नहीं है, कोई ऐसी अदा पेश कर दीजिए जो कहे कि वाह अल्लाह तुझे खुश रखे, जाओ बेटा तेरे लिए दुआ हो। ये मजलिस जो लगी है ये ईमान और यकीन की मजलिस है। कौन मजलिस है? ईमान और यकीन की मजलिस है।
अपना ईमान बनाने की मजलिस है, रहमत आलम को दिल दे देने की मजलिस है, अल्लाह से लौ लगा लेने की मजलिस है। इस मजलिस की कोई शानी नहीं, इस मजलिस का इसकी कोई दूसरी नजीर नहीं है। अल्लाह की पनाह, कसम खुदा की कहना चाहूँ तो हानिस नहीं हूंगा कि दुनिया तमाम के तमाम सज जाए, चाहे जितना बड़ा से बड़ा मजमा लग जाए, जितने भी कुमकुमे और बल्ब और रोशनी सजा दिए जाए, और एक मामूली दर्जे का पांच आदमी मिलकर के कोई मजलिस लगा ले जहां काल अल्लाह व काल रसूल हो जाए, तो तमाम मजलिसों पे उस मजलिस का मकाम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? आपका मकाम बढ़ा हुआ। अल्लाह ताला ने जमीन पे कमो बेश 18,000 मखलूक को पैदा किया। कितने? 18,000। कितने मखलूक को हम लोग गिना सकते हैं? अगर बहुत मेहनत करेंगे, कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे तो 100 तक जा सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं। इससे ज्यादा की हिम्मत ना है मेरे ख्याल से किसी की। बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, बड़े बड़े कद्दावर मुदब्बिर और मुफक्किर हो सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला की नेमत की शुक्रगुजारी या नेमत के गिनने की बारी आ जाए तो सब के सब जो है ना शायद होते नजर आएंगे और अल्लाह के सामने उनकी पालकी रखा जाएगी और यही कहेगा कि अल्लाह हम तेरी कुदरत के शुमार करने में आजिज हैं, इसलिए आजिज है कि तेरी नेमत बेशुमार है। नेमत क्या है? बेशुमार। बेशुमार नेमत को गिना जा सकता है? कुर्बानी के जानवर में जितने बाल होते हैं सबके बराबर सवाब मिलता है, एक एक नेकी मिलती है, जानवर के बाल गिने जा सकते? अल्लाह ने उन तमाम मखलूकों में सबसे बढ़िया मुअज्जज मखलूक जो अल्लाह ने पैदा किया उसका नाम इंसान है। उसका नाम क्या है? इंसान। और इंसान में भी मुअज्जज मुकर्रम मुशर्रफ अगर कोई है तो वो अहले ईमान है। एक तो मुसलमान, एक तो इंसान है और इंसान में भी मुसलमान है, उसका मकाम बढ़ेगा। जो तन्हा इंसान है बहसियत इंसानियत वो कदरदा है, वो काबिल इकराम और काबिल एजाज है, लेकिन जो मुसलमान है वो अशरफुल मखलूकात है। इंसान में वो इंसान जो कुफ्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो शिर्क के साथ जुड़ा हुआ है, जो यहूदो नसारा मजूसी की शक्लों में नजर आते हुए हम दिखते हैं, उनको उनसे इनका मकाम बढ़ा हुआ है। इंसान सारी मखलूक पर अल्लाह की तरफ से मुकल्लफ इस बुनियाद पर किया गया है कि सारी मखलूक पे अल्लाह ताला ने इंसान को दस्तरस अता फरमाया। प्लेन भी देखा होगा आप लोगों ने, ट्रेन भी देखा होगा, देखा कि नहीं? ट्रेन को भी इंसान ही चलाता है और प्लेन को भी। अल्लाह हू अकबर। ये प्लेन में जो बैठा रहता है कोई फरिश्ता या कोई दूसरी मखलूक थोड़ो है वो। करीब में जाइएगा तो देखिएगा कि वही हाथ पांव वाला अपने सबके जैसा आदमी रहता है, लेकिन वो पायलट रहता है, उसको ड्राइवर नहीं बोलते, उसका नाम हो जाता है पायलट। ट्रेन को भी और बस और प्लेन को भी इंसान चला रहा है। इंसान की कुदरत देखिए। और जानवरों में हैवानात में बहुत सारी मिसालें नहीं ली जा सकती हैं। हाथी को देखिए, जिसका कोई कल हमको लगता नहीं है, जो ऐसा हो जिसको हम अपने तई मानुष बना ले, आदमी दूर से उसके पास जाना नहीं चाहता, दूर दूर रहता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो एक कारीगर होता है, उसका जो हथबाह होता है, वो उसको चलाता है कि नहीं चलाता है, उसको चराता है कि नहीं चराता है, उस पर उसकी हुकूमत है या नहीं, इंसान है। इसलिए इंसान का मर्तबा सारी मखलूकों में बड़ा है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग इंसान होने के एतबार से भी मुकल्लफ हैं और मुसलमान होने के एतबार से भी मुकल्लफ हैं, और सारे लोगों को अपनी जिम्मेदारी के एतबार से अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। ऐ लोगों, जान लो कि तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है, और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह ताला के यहाँ पूछा जाएगा। हमने यकीन के दर्जे की बात कहना चाहा है, चंद लफ्जों में बात मुकम्मल करना चाहिए, चूंकि दुआ के लिए आप लोग मुंतजिर हैं, घड़ी देख रहे होंगे, और फिर उसके बाद ये मौलाना कहां से चले आए, अकील गौहर क्यों नहीं आए, हैं इश्तियाक राहबर क्यों नहीं आए, तौहीद अनवर तौहीद क्यों नहीं आए, उनको तो आप लोगों ने बड़ा सुना है,
और इंशाल्लाह कल भी आज में रखिए कि सुनेंगे सुनेंगे इंशाल्लाह। अभी दुआ के लिए आप लोग बैठे हैं, दुआ करना है, यकीन बना करके दुआ कीजिए, फिर बात बन जाएगी, बात बिगड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। यकीन कितना मुस्तहकम होना चाहिए और कितना यकीन पुख्ता होना चाहिए ईमान वालों का, वो मैं आपको बतला करके चला जाऊंगा। वला तहिनू वला तहजनू, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगो मत घबराओ, मत फिक्रमंद हो, तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन रहोगे। मोमिन होना शर्त है, हम मोमिन हैं, बेशक मोमिन हैं, ईमान रखने वाले हैं। क्या ईमान हमारा मुकम्मल है? हम मुस्तहकम अपने यकीन के मामले में हैं? अगर नहीं है तो अफसोस का मकाम है ये। हम उस नबी के दाई और सहदाई हैं जो अर्श पर भी हमारी फिक्र करके आए और कल फर्श पर भी फिक्र किए और आने वाले दिन मैदान महशर में भी हमारी फिक्र लेकर के बैठेंगे। सारे नबियों की जबान या रब्बी नफसी नफसी कह रही होगी और सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह की जबान या रब्बी उम्मती उम्मती कह रही होगी। शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि हम अपने प्लेटफार्म से कहाँ चले जाए, इसलिए थोड़ा सा संवरने की जरूरत है, दिखा देना है जमाने को। जमाना हमसे नहीं है, जमाना हम जमाने से नहीं है, जमाना हमसे। आज लगता ऐसा है ईमान कमजोर होने की बुनियाद पर कि हम जमाने से हैं, कसम खुदा की ऐसा नहीं है। हमारे और आपके बीच खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा है, औलियाओं का दौर गुजरा है, सोलह सालहीन का दौर गुजरा है, अभी भी उलमा सोलह मौजूद हैं। पिछले लोगों में जो लोग गुजरे हैं उन लोगों की मिसालें किया दी जा सकती है मेरे लोगों, इतना तरीके से भी उनकी इक्तदा हो जाए, इतना तरीके से भी इक्तदा हो जाए। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह के मानने वालों का ये हाल था कि आमन ना और सद्दक ना कहते थे। ए नबी अल्लाह आप कहते रहिए, आप कहते रहिए, ईमान वालों का पेट इस मैदान में कभी नहीं भरता। लेकिन हम लोगों ने समझ लिया कि हम भरे भराए हैं, हम पके पकाए हैं, हम बुझे बुझाए हैं, ना हमें दुनिया बुझा सकती है, ना जमाना बुझा सकता है, ना उलमा और सुलह की जरूरत नऊज़बिल्लाह तसव्वुर में और याद में रखते हैं। ये मेरे लोगों एक बहुत बड़ा अलमिया है जो आज जमाना हमारा तमस्खुर कर रहा है, जमाना हमारा मजाक उड़ा रहा है। ये उस उम्मत का मजाक उड़ाया जा रहा है जिस उम्मत को अल्लाह के नबी ने सींचा है और इस बुनियाद पर सींचा है कि ये उम्मत जो मेरी उम्मत होगी, जो मेरे चौखट पे चलने वाली और बिकने वाली उम्मत होगी, वो दुनिया के किसी चौखट पे नहीं बिक सकती। इसलिए थोड़ा सा गौर कर लिया जाए, मुहासबा का वक्त है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कही जा रही है कि जमाने के ताल्लुक से आज हम लोग जो मुतासिर है जमाने से, हमको और आपको अपने आका के आइडियल से, उनके सुनन और नवाफिल से, उनके तराइक से, उनके वसीले और तरीके से अपना रिश्ता मजबूत होना चाहिए। खुलफाए राशिदीन जो चार खलीफे हमारे गुजरे हैं, उनका एक वाकया सिर्फ जहन में आया। अभी मैं बयान करूं तो बहुत सारी बातें बयान की जा सकती हैं, सब का वाकया और सब की बातें तो बड़ी अजीब बातें होती हैं इस वक्त की खास तौर से, लेकिन आप हजरात को मैं ज्यादा से ज्यादा कद्र की निगाह से देखते हुए बात को लंबी करना कहीं से भी मुनासिब नहीं, जबकि मैं सदरे जलसा हूं, मैं मुख्तार हूं, आप लोगों के सामने बोलने की जरूरत महसूस करूं तो बोलता रह जाऊं, लेकिन नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, खैरुल कलाम ही कल्ला वदल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो थोड़ा हो और मुदल्लल हो, बढ़िया हो, समझने की जरूरत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन एक ऐसे सहाबी गुजरे हैं जिनके बारे में क्या कहा जा सकता है। ये यही उमर है जब इस्लाम से पहले उमर थे, तो इस्लाम को हजरत उमर से ज्यादा खतरा किसी से नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन जब हजरत उमर दाखिली इस्लाम हुए, मुख्तसर कहना चाहता हूं, तो हजरत उमर से ज्यादा तकवीयत इस्लाम में किसी से नहीं आई। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है। रिवायत यह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
अबू जहल और उमर के ताल्लुक से दुआ मांगा था, कहा था कि ऐ अल्लाह हमें इन दोनों में से किसी का इस्लाम चाहिए, ये जमात कमजोर है, ऐ अल्लाह इनके लिए कोई मजबूत ताकत की जरूरत जमीन पर है, इन दोनों में से किसी को दे दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर को अता फरमाया। रिवायत और वाकिया बहुत लंबा है, तवील है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब खिलाफत के उस मसनद पे तशरीफ लाते हैं जहां उम्मत की जबरदस्त रहनुमाई और उनके लिए एक बड़ा मकाम पैदा करने की जरूरत है, तो हजरत उमर को देखिए, ऐसे ऐसे जवान, ऐसे ऐसे सहाबी पैदा हुए और ऐसे ऐसे उनके सामने दीन के कायद पैदा हुए जो यकीन के मैदान में जब तशरीफ लाए तो जमाना को बता दिया कि हम तुमसे नहीं है, तुम हमसे हो सकते। मेरे लोगों, हम में का हर आदमी इस बात का दावा करे अमाल के अतबार से कि हम तुमसे नहीं है, हमसे तुम। ये बात जहन में रखें। जब मिस्र को आपने फतह कर लिया, सबसे ज्यादा अगर जमीने उस्तवार हुई है और फतह हुई है तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। ईरान आपने किया, मिस्र आपने किया, अफ्रीका आपने किया, न जाने कौन कौन सी जगहों को आपने किया, बड़ी लंबी बातें हैं सिलसिले से। जब मिस्र को फतह कर लिया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने, तो वहां का गवर्नर बना करके जिनको भेजना था उनका इंतखाब अमर इब्न अल आस के नाम से हो रहा है। आपको गवर्नर मिस्र बना करके भेजा गया। बात देख लीजिए कितनी अच्छी है। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो उस मिस्र की गवर्नरी आप फरमा रहे हैं, दरियाए नील मिस्र में बहता है, दरियाए नील मिस्र में बहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर के, अपने कौम को लेकर के उस मिस्र के दरियाए नील को पार करते हैं और अपना मोजज़ा दिखा करके 12 रास्ते ले लेते हैं। फिरौन पीछे से अपना लश्कर लेकर के आता है और उसी पर चल देता है, ये देख करके कि रास्ता बना हुआ है, अल्लाह का हुक्म आता है तो कौम फिरौन वही डूबती है और फिरौन भी डूबता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये हजरत मूसा के साथ वाकया पेश आया हुआ, वही दरियाए नील, वही दरियाए नील, दरियाए नील साल में एक मरतबा खुश्क होता था, सूखता था, और जब सूखता था उसका पानी जब खत्म हो जाता था, दरिया सूख जाता था, तो उस जमाने में दौर जहालत में एक खूबसूरत लड़की का भेद चढ़ा करके वो लोग पानी हासिल करते थे। हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अल्लाह तबारक व तआला इनके नक्शे पे हम सबों को चलाए। जितने भी असहाबे किराम हैं, जितने भी औलिया किराम हैं, सुलाए इजाम हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बरगुजीदा बनते हैं, अहले ईमान में हैं, अल्लाह ताला उन तमों की इक्तिदा करने की तौफीक अता फरमाए। जब वो लोग आए के हुजूर बड़ा मामला हो गया, दरियाए नील खुश्क हो गया, पानी नहीं है और सारी मखलूक इस पानी से चलती है, अल्लाह तबारक व तआला की, इंसान भी जानवर भी सबको यही पानी चाहिए, लिहाजा आप कोई रास्ता निकाल दीजिए। तो हजरत गवर्नर ने पूछा कि तुम लोगों ने पीछे क्या किया है, ऐसा जब मामला हुआ वाकया पेश आया तो क्या करते थे। कहा कि ऐसे ऐसे लड़की को हम लोग भेंट चढ़ाते थे और पानी निकल आता था। कहा ये नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा, रुको हम अपने अमीर से मशवरा करते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन से मशवरा करते हैं, फिर जो रास्ता निकलेगा मैं तुम लोगों को बताऊंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के पास ये खबर आती है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, पूरे आलम के खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि ऐसे खलीफे पैदा हुए जो नमूना के लिए काफी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि सुनो, उन लोगों से कह दो कि उमर का फैसला आ रहा है, एक खत आपने लिखा है
और उस खत में लिखा है कि ए दरिया, मुख्तसर कह रहा हूँ, ए दरिया तुझे बहना है तो बह जा, पानी आना है तेरे अंदर तो आ जा, मैं अल्लाह का मोहताज हूँ, तेरा मोहताज नहीं हूँ। और पानी में उस पर्ची को डाल दिया गया है। हजरत गवर्नर को ये खबर दे दी गई है कि इस पर्ची को डाल दिया। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जमाना देखा कि जैसे ही वो पर्ची गई है पानी उबलना शुरू हुआ और लम्हे में दरियाए नील लबालब हो गया। ये किस चीज की बरकत है? पुख्ता है ईमान की बरकत है, अल्लाह तबारक व तआला से जी लगाने की बरकत है, अल्लाह पे मर मिटने की जरूरत है। इस बुनियाद पर कि अल्लाह से कोई चीज मनवाना है तो अल्लाह के करीब जाना होगा, अल्लाह के करीब बैठना होगा, अल्लाह ताला की मानना होगा, अल्लाह से डरना होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में हमारा ईमान यकीन मुस्तहकम बना दे। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम की बरकत से पूरे आलम की नजात फरमा दे। एक भी